सो हेलो गाइस, केम छो? मजामां? मैं हूँ जारा प्रीतेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले कि कार कैसे चलाए। मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगा, कई सारे लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं इससे कार कैसे चलाए उससे रिलेटेड मैं पूरी सीरीज निकालने वाला हूँ, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे मेन पॉइंट्स की जो आपको गाड़ी चलाने से पहले आने चाहिए। तो बात करते हैं फोर मेन पॉइंट्स की। ये जो चार पॉइंट्स है मैं बताने वाला हूँ, कोई आपको ड्राइविंग स्कूल वाले या फिर कोई यूट्यूब पे बताएगा नहीं कि क्या ये आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए नहीं। सभी लोग डायरेक्ट ही आपको गाड़ी सिखाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये चार पॉइंट्स ऐसे जो आपको नहीं आएंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत आने वाली है। पहले ऐसे पॉइंट की बात करें तो वो है माइंडसेट, दूसरा है रोड सेंस, तीसरा है बॉडी पोस्चर, जो ड्राइविंग सीट एडजस्ट करने में क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी, फोर्थ है आपको बेसिक फीचर जो गाड़ी के पता होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है माइंडसेट। अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त आपका माइंड दो जगह पर होगा तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी चलाने में, और जब आप सीखोगे तब भी आपको दिक्कत आएगी। उससे पहले आप गाड़ी चलाना सीखे, उससे पहले एक चीज़ भी है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो दिमाग है वो ठंडा होना चाहिए। किसी भी चीज़ से आप खुश नहीं ना हो तो वो चीज़ आप साइड में रख के आपको गाड़ी चलाना पे ध्यान देना होगा, आपको आगे विंडशील्ड पे ध्यान देना होगा। आपको ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो और दूसरी कोई आपकी चीज़ आपके थॉट में चल रही है। अब बात आती है रोड सेंस की, कि क्या होता है रोड सेंस। अगर आप मतलब पहले बाइक चलाते थे या कुछ भी ऐसा व्हीकल टू व्हीलर चलाते थे तो आपको तो पता ही होगा कि क्या क्या रोड के अंदर रूल्स होते हैं, कैसे आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपके पास बेसिकली पहले तो आपको लाइसेंस कैरी करना होगा, PUC, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट तो कैरी करने ही होंगे। लेकिन आखिर रोड चलते कैसे हैं, आपके रोड के अगर आपके एक्सीडेंट से सिचुएशन हो जाए तो आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एंड रोड सेंस तो ऐसी एक चीज़ है जो अगर आप गाड़ी रोड पे चलाओगे तभी भी आपको बाय द एक्सपीरियंस आपको मिलती जाएगी, आपको वन डे में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी नहीं। सो अब बात करते हैं ड्राइविंग पोस्चर की, क्योंकि आज से आपको ड्राइविंग सीट और जो आगे का स्टेयरिंग व्हील है, अगर आपके कार में एडजस्टेबल नहीं है तो फिक्स है तो उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके गाड़ी में एडजस्टेबल है स्टेयरिंग व्हील उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। बात कर लेते कि आपको सीट कैसे एडजस्ट नहीं करनी। सो अब बात करते कि ड्राइविंग सीट है आपको कैसे एडजस्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी आपको आगे ले जानी है, आपको जो आगे का नी रूम है थोड़ा सा इतना मिलना चाहिए, क्योंकि जो एक्सीडेंट सिचुएशन आएगी तब आपको इतना गैप होना चाहिए जिससे आपको जो कम से कम आपको इम्पैक्ट देखने को मिले अपने नी पे। और रिक्लाइन की अगर हम बात करें तो आपको सीख रहे हो तब थोड़ा सा आप अपर वे में रखें तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपको आगे का बोने का व्यू काफ़ी अच्छा मिले। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपके जो स्टेयरिंग है आपको एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ पे जो 9 और 3 के बीच में आपको ऐसे हाथ रखने और इधर जो एल्बो है आपका वो फ्रीली मूव होना चाहिए, जिसकी वजह से आप फास्टेस्ट वे में आप स्टेयरिंग घुमा सके। देखिए ऐसे आपको पूरा हाथ है वो घूमना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आगे सिर्फ आपको इतने जगह ना हो कि आपका हाथ भी फ्री मूव ना हो सके, ये टाइप। सो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है बेसिक फीचर जो हर गाड़ी में आपको यूनिवर्सल ये सेम ही फीचर देखने को मिलेंगे, बस जस्ट मेरी गाड़ी में नीचे से होंगे तो आपकी गाड़ी से शायद ऊपर से कंट्रोल होंगे, बाकी फीचर्स तो सेम ही आएंगे। तो आपको यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे, जस्ट आप एक बार ऊपर करोगे तो आपका वाइपर है वो सिंगल टैप ऊपर जाएगा, आप इसे एक बार नीचे करोगे तो फिक्स टाइम के लिए आपके वाइपर से वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो मतलब कम रिमझिम बारिश होती तब ये ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दो बार इसे नीचे ले जाओगे तो फिक्स स्पीड में वाइपर से वो स्टार्ट हो जाएंगे चलना, और थर्ड जो अपने फुल पोटेंशियल पर वाइपर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इधर आपको लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे, जो आप फिलहाल जो ये एरो है वो आपको ऑफ की तरफ होगा। अगर मुझे सिर्फ लो बीम करना है तो एक बार मुझे ऊपर करना होगा, इधर आपको लो बीम का लोगो भी दिख जाएगा, और अगर आपको फुल बीम पे करना है तो आप इधर से जस्ट सिंगल टैप फुल बीम पर भी जा सकते हैं। और इसकी जो हेडलाइट लेवलिंग है वो आपको कहीं पर मिल जाएगी, इधर भी मेरी गाड़ी में इधर है, आपकी गाड़ी में शायद अलग होगा,
इधर से आप अपने अकॉर्डिंग हेडलाइट की लेवलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियर डिफोगर की, तो आपको इधर कहीं पर भी आपको आपकी कार में स्विच मिल जाएगी रियर डिफोगर की। और बारिश में कई बार क्या होता है कि इधर आपके पानी जमा हो जाता है विंडशील्ड पे, और अगर आप यहाँ पे आपका पानी जमा हो जाता है उसे आपको क्लियर करना हो तो जस्ट आपके इसी इवेंट में इधर आपका ये जो लोगो दिख रहा है वहाँ पर करना होगा, और आपकी जो यहाँ पे पानी जमा होगा यहाँ से आपकी एयर निकल कर स्टार्ट हो जाएगी और इधर जो भी पानी जमा होगा वो से वो निकल जाएगी। सो बस आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी ज़्यादा आपको बेसिक सी चीज़ें सिखाई है मैंने, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप ड्राइव करते हो फ्री साइड की इस्तेमाल की तो आपकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है, आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो छोटा ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको गाड़ी चलाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके आगे भी मैं कई सारी ऐसी वीडियोस निकालूंगा जिसमें आपको प्रो टिप्स भी, और मॉनसून में भी कई ऐसी टिप्स है जो आपको देखनी होगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर मैंने बोला है, लेकिन आप लोग करते नहीं तो क्या करेंगे, दो बार ही बोलना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।